अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके सुपीरियर। आज का हमारा लेसन नंबर 38 है और आज हम स्केलिंग कमांड सीखेंगे इन ऑटोकैड। स्केल कमांड हम जैसे दिन ब दिन इसे कम करते आ रहे हैं, वैसे इसमें से ये स्केल कमांड है जिसको आज हम पूरी तरह जो उनसे लर्न करेंगे। स्केल कमांड किस चीज़ का काम है? स्केल कमांड किसी भी चीज़ की स्केलिंग करने के काम आती है। स्केल से तो पता चलेंगे, स्केल का मतलब स्केलिंग करना। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का हजूम, ये चीज़ है बड़ी, इसको बड़ा या छोटा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्केलिंग के हिसाब से कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, इसलिए स्केल कमांड यूज़ होती है। स्केल कमांड एक और जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है जब हम कोई इमेज को ट्रेस करते हैं या कोई जो सी होती है हाउस मैपिंग जो कि पेपर पे होती है, उसे डिजिटली ऑटोकैड फाइल्स के अंदर लाने के लिए जब हम उस पर काम किया जाता है। उस पेपर के ऊपर वो इमेज होती है, एक किस्म की रास्टर्ड इमेज, उसको जब हम ऑटोकैड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम स्केलिंग कमांड यूज़ करते हैं, स्केल कमांड, ठीक है। उससे हम इसे स्केलिंग देते हैं और अपने यहाँ पे अपने हिसाब से बनाते हैं उससे, ठीक है। सो हम वेरीफाई करके स्केल कमांड के बारे में सीखना शुरू करते हैं। मैं लाइन के थ्रू आपको स्केल कमांड सिखाने को ज़्यादा तरजीह दूँगा। यहाँ पे मैं 100 फीट की एक स्केलिंग कर ली मैंने लाइन की, एंटर करता हूँ। अब मैं इस लाइन को जो कि मैंने 100 फीट की लगाई है, अपने स्केल कमांड के थ्रू मैं इसको जो है 200 या इससे भी ज़्यादा जैसे इसकी स्केलिंग कर सकता हूँ। तो वो कैसे करूँगा? स्केल कमांड यूज़ करने का तरीका, पहला तरीका तो ये है कि आप पहले कमांड एक्टिवेट करें फिर इस पर क्लिक करें। दूसरा तरीका इसे सेलेक्ट करके फिर आप कमांड एक्टिवेट करें। तो मैं दोनों से करूँगा। अच्छा, तो उसकी शॉर्टकट की भी हम लिख लेते हैं। स्केल कमांड एक यहाँ से आप एक्सेस करते हैं मॉडिफाई स्केल कमांड से, दूसरा आप एक्सेस कर सकते हैं स्केल कमांड अपने कीबोर्ड से SC एंटर करें तो आप स्केल कमांड एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसे सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करें। तो यह आपसे पूछेगा बेस पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडिफाई के तमाम ऑप्शंस बेस पॉइंट मांगते हैं, तो मैं इसको मिड पॉइंट से बेस पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें, जैसे मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये लाइन इंक्रीज़ हो रही है। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं इंक्रीज़, ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसे इसका फैक्टर दे दें। अब स्केल फैक्टर क्या होता है? आप देखें नीचे वो कमांड लाइन में कह रहे हैं स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर। तो अब स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का हजूम जो है उसे फैक्टराइज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 2 तो जो ये आपकी लाइन है जो आपने 100 फीट की लगाई है ये 200 फीट की हो जाएगी, और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि अपनी जो सी है ना असल हालत से डबल हो जाएगा, यानी ये लाइन का डबल हो जाएगा। इसी तरह आप 3 करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। 4 लिखेंगे फैक्टर तो 4 टाइम ये इंक्रीज़ होगा, 5 लिखेंगे तो 5 टाइम इंक्रीज़ होगा, और अगर आपने इसे कम करना है तो आप 0.5 लिखेंगे तो ये अपने हजूम का हाफ हो जाएगा, यानी कि 100 का 50 हो जाएगा। तो मैं दोनों करके देखूंगा। पहले मैं करता हूँ इसे इंक्रीज़ करता हूँ, क्या मैं इसका फैक्टर लिख रहा हूँ 2, एंटर करता हूँ। अब ये देखें ये लाइन मैंने लिखी, यहाँ पर आपको ये 200 फीट की नज़र आ रही है, अब इसने 200 फीट बना दी है लाइन को। अब मैं इसी लाइन को जो 200 फीट की मैंने बनाई है इसे मैं वापस लेके आता हूँ 100 फीट के अंदर। कैसे? स्केलिंग के थ्रू। तो मैं करता हूँ यहाँ से यूज़ करता हूँ स्केल कमांड, ये स्केल किया, ये ओके किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया इसे। बेस पॉइंट के बाद मैं 0.5 यहाँ पे लिखूँगा, इसका मैं फैक्टर दे रहा हूँ। 0.5 का मतलब किसका हाफ। तो अब ये देखें वापस 100 पर आ गई है ये जो सी लाइन है जो मैंने बनाई थी। तो इस तरह से आप जो फैक्टर्स जो उनसे हैं इसके फैक्टर्स स्केल फैक्टर्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह 0.867 ये इस हिसाब से कम करते जाएंगे, पोजीशंस बनी हैं। कैसे? अगर आप 0.9 लिखेंगे तो ये 90 हो जाएगी। ये देखें 100 जो सी है ये 100 है ना, 100, इसे हम 90 पे आ जाएगी। अब 0.9 लिखेंगे तो ये 90 हो जाएगी फीट, 0.8 लिखेंगे 80 हो जाएगी। इसी तरह ये कम हो जाएगी। आप 0.2 लिखेंगे तो 20 हो जाएगी। हम इसे भी करके देखते हैं। SC एंटर करते हैं कीबोर्ड से, ये मेरा पहले से सिलेक्टेड है तो मुझे डायरेक्ट बेस पॉइंट मांग रहा है। बेस पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.8, एंटर करता हूँ, और अब आप ये देखिएगा ये 80 हो गई है। तो आप इसके फैक्टर्स इस तरह से कम कर सकते हैं। अगर आपने इसे कम करना है, नीचे करना है, तो आप इसके फैक्टर्स इस तरह कम करेंगे 0.9, 8, 6, 7 एंड 5 एंड सो ऑन। जबकि अगर आपने इसका फैक्टर्स बढ़ाने हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो ये बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन 2 लिखेंगे तो ये अपने जो हजूम है उसका डबल हो जाएगा। 3 पर 3 टाइम्स डबल होगा, 4 पर 4 टाइम्स एंड सो ऑन। ये है स्केल फैक्टरिंग जो मैंने आपको पहले सिखा दी, ठीक है। हम इसी स्केल फैक्टरिंग को, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं कि ये जो सी है हमारी, पहले से देख लेते हैं कितनी बड़ी है। DLI यहाँ से लेगा, मैं यहाँ तक का क्लिक करता हूँ, ये 125 फीट 3 इंचेस की है। तो अब हम इसकी स्केल फैक्टरिंग करते हैं। SC एंटर, मिड पॉइंट का मैंने बेस पॉइंट बनाया, इसे मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स। और अब हम इसकी DLI करते हैं तो ये अपनी जो सी ये स्पिरिट का 2 टाइम हुआ होगा। ये देखें ये अपने जो से हजूम का डबल हो गया। तो हम इस तरह इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, उसे बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है ऑटोकैड के अंदर ये स्केलिंग कमांड की, वो है स्केल रेफरेंस। अब हम स्केल रेफरेंस के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, एंड पे हम एक इमेज लेके उसकी स्केल रेफरेंसिंग करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ इसको, ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ, L एंटर करता हूँ, 100 फीट की, हाँ 100 फीट की लाइन लगा रहा हूँ, एंटर। सो अब आप ये देख सकते हैं ये लाइन है, मैं इसकी अब स्केल फैक्टरिंग करने लगा हूँ। ठीक है, SC एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप देखिए मुझे बेस पॉइंट मांगेगा, मैं बेस पॉइंट देता हूँ। अब आप देखें हमने पहले स्केल फैक्टर्स दिए, इसने क्या क्या स्पेसिफाई स्केल फैक्टर्स, हमने इसके कहने पे स्केल फैक्टर्स दिए। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से देना चाहें स्केलिंग, यानी कि देखें फर्ज करें कि आपने स्केल फैक्टर देना है कि ये जो इस वक्त है, इस वक्त ये 1000 फीट है, आप चाहते हैं कि मेरा 1080 फीट हो जाए। तो अब इसके लिए आप स्केल फैक्टरिंग जहाँ यानी कि जहाँ पर आपको स्केल फैक्टरिंग थोड़ी तंग करने लगे या आपको लगे कि मुश्किल हो गया आपके लिए, तो आप उसके लिए स्केल रेफरेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। और इमेज की ट्रेसिंग के लिए हम स्केल रेफरेंसिंग ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें ये नीचे और के बाद आया कॉपी या रेफरेंस। ठीक है, तो आप ये जब रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या R एंटर करेंगे तो आप रेफरेंस पे पहुंच जाएंगे। अब ये आपसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के, यानी कि पहली इसकी लेंथ आपने जो मेजर की थी वो कितनी थी। आपकी पहली लेंथ जो आपने मेजर की थी, तो हमने इसकी जो पहली लेंथ मेजर की थी वो थी 1000 फीट, मैंने पहले भी चेक किया था। तो ये मैं एंटर करता हूँ, इसने मुझे बता दिया कि 100, इसने इसी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी करनी है दूसरी लेंथ, तो मैं इसे कहता हूँ कि मुझे चाहिए 1080 फीट। ये देखा 1080 फीट एंटर करता हूँ। अब आप ये देखिएगा यही लाइन 1080 फीट की होगी आपकी मर्ज़ी से। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिमेंशन इसकी लेंथ वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करें रेफरेंस, स्केल रेफरेंस। ओके, सो अब हमारा ये स्केल के बारे में मुझे होप्स हो कि आपको मुकम्मल समझ आ गई स्केल कमांड की तरफ से की। तो अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं आगे अपने काम की तरफ, और वो हमारा अब हम एक इमेज को ट्रेस करते हैं जो कि स्केल रेफरेंस के थ्रू होगी। सो हाँ यही है। अब हम रास्टर्ड इमेज ऑटोकैड में कैसे लेके आते हैं, रास्टर्ड इमेज ऑटोकैड में यानी इमेज को कैसे लेके आते हैं रास्टर्ड ऑटोकैड में, इमेज को रास्टर्ड इमेज कहते हैं। ठीक है, चाहे वो PNG हो, JPG हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रास्टर्ड इमेज नजर आएगी, इंसर्ट हो रही है रास्टर्ड इमेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपनी इमेज को ब्राउज करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मेरी ग्राउंड ये रहा ग्राउंड फ्लोर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्पेसिफाई पॉइंट पे अगर आपको चेक नहीं है चेक कर लें, इससे आप अपनी मर्जी से स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे, वरना स्क्रीन अपनी मर्जी से अपने ऊपर लेकर आएगी, यानी कि ऑटोकैड अपने ऊपर लेकर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये मैंने एक यहाँ पे इमेज लेके आया। आपको अक्सर काम ये मिलेगा इस इमेज में कि आपने इस इमेज को ट्रेसिंग करनी है, इस इमेज की किसी डिजिटल में लेके आए। ये तो इसी वक्त डिजिटल में नहीं पेपर में थी उसकी किसी इमेज की, अब आपको ये काम मिल गया कि आपने इसे जो उनसे आपने इस पर लेके आना है, डिजिटली लेके आना है। तो ये थोड़ी ब्लर इमेज है, पता नहीं कोई मसला है। सो इसका मैं बाद में देखता हूँ। आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस इमेज को स्केलिंग कमांड के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, तो क्या है आप ये करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, SC एंटर करेंगे। एक मिनट, इसे एंटर करने से पहले आप इसको पहले खुद चेक कर लेंगे DLI करके कि कितने फीट की है ये लाइन। एक एट नाइन फोर फीट 11 इंचज़। तो हम क्या करेंगे, हम ये से सिलेक्ट करेंगे पूरे को, SC एंटर करेंगे, बेस पॉइंट रेफरेंस वो क्या था मैं दोबारा फिर से चेक कर लेता हूँ, मुझे भूल गया। DLI G94 894, तो मैं वही करूँगा। ये आपको पता होना चाहिए स्केलिंग करने से पहले ये कितने 94। यहाँ पे मैं SC एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट, रेफरेंस 894 फीट 11 इंचेस। एंटर करूंगा। वो पूछ रहे हैं कि इसे आपने किस स्केलिंग में लेके आना है, तो वो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ इसके बारे में। हम इसको किस पे लेके आएंगे, 25 फीट पे, 25 फीट पे लेकर आएंगे। देखें ये अपनी असल हालत में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे DLI करके इसे दोबारा फिर से चेक कर लेते हैं। DLI एंटर, तो ये देखें अब आप इसे 25 कर लिए। अब आप इसकी सारी की सारी जो सी है इसकी डेकोरेशंस ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप लाइन्स पे लाइन्स क्लिक करते जाएंगे तो आपकी किसी भी लाइन की जो डिमेंशन है वो ख़राब नहीं जाएगी। तो आप ये आराम से इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएं, तो जितनी आपकी एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उसकी असल में उतनी ही होगी। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ डोर से, यहाँ तक मैं एक लाइन लेके जाता हूँ। तो एंटर करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन कितने फीट की है, ये 15 फीट 7 इंचज़, तो बिल्कुल सही है। 15 फीट 7 इंचज़ तक यहाँ पे लगाई गई थी लाइन। तो हम इस तरह से इस मेथड के थ्रू पहले हम इस इमेज लेके आते हैं, उसकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है, एक्चुअल जो इसका साइज़ होता है, हम उसमें स्केलिंग करते हैं। उसके बाद हम इसे सारा ट्रेस कर लेंगे तो हमारी ट्रेसिंग बिल्कुल ठीक जाएगी। और यही ट्रेसिंग थी, इस तरह ट्रेसिंग करके हम इमेजेस देते हैं, उसे डिजिटल यानी कि ऑटोकैड में लेके आते हैं। तो ये हमने स्केल कमांड के बारे में आज जो भी सीखा, होप सो आपको समझ आई हो और अच्छी तरह आपने इसको लर्न किया हो। तो अब हम अगले लेसन में मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेते हुए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।